नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार आज राजगीर दौरे पे थे। आपको बता दें कि राजगीर में बिहार का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनके तैयार हुआ है, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज वो राजगीर पहुंचे। आइए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। ये जो हम लोग शुरू किए थे नेचर सफारी, तो आप तो जानते हैं कि जू सफारी बनवा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो उसी सिलसिले में जब हम यहाँ आते रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे, तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है। लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक रोज हम देख रहे थे, तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें अगर इसको, नेचर सफारी भी बनाना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन हाँ, हमारे मन में बात थी कि जो जू सफारी के बगल से ही नेचर सफारी चले, लेकिन अभी हमको सभी लोगों ने बताया कि उस बीच में नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ से ही किया जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है इनका उसी में कर सकते हैं, तो यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया है। तो वही देखने हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे, तो बहुत अच्छा बना है और इसके सुरक्षा के लिए और इसको इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है, और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया है ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो और देखें। तो कुछ इस अंदाज में सीएम नीतीश कुमार नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि यहां के युवा इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं, इस जंगल सफारी का सैर कर सकते हैं और साथ ही साथ बिहार को पर्यटन में सबसे आगे ले जाना है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज। धन्यवाद।